मित्रों जय श्री कृष्ण। शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें मैं आपको राहु और केतु के फलों के बारे में बताऊंगा। देखिए, राहु और केतु के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान इनका जन्म हुआ था, जब उन्होंने अमृत पीने की कोशिश की थी, इवन पी भी दिया था इनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये समझिए कि राहु केतु जो राक्षस था, जिसके से राहु केतु बने, उसका नाम था स्वर्गान। वो राक्षसों की लाइन में बैठे हुए हैं और देवताओं की लाइन में देवता बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु उन सबको अमृत पिला रहे हैं। तो केवल यही राक्षस ऐसे थे जिनको ये आभास हो गया कि हमारे साथ कुछ बेईमानी हो रही है और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, और इसीलिए वो उठ के देवताओं की लाइन में चले गए, जहां उन्होंने अमृत को पी भी लिया। लेकिन बाद में भगवान विष्णु के द्वारा उनके दो टुकड़े हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो जिनको हम राहु केतु बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि राहु केतु बहुत ही इंटेलिजेंट है, एकदम भाप जाते हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोग जिनके राहु केतु पॉजिटिव होते हैं, उनकी सिक्स सेंस बहुत ही जबरदस्त होती है, वो एकदम पहचान जाते हैं, तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। पहला नंबर तो ये हुआ। दूसरा नंबर, वो वीर भी काफी है, क्योंकि देवताओं के बीच में चले गए, अकेले हिम्मत उन्होंने करी कि सारे देवताओं के लाइन में चले गए, वो भगवान विष्णु के जानते हुए कि पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं, तो वीर भी बहुत है। तो राहु केतु से वीरता भी साबित हुई और इंटेलिजेंस भी साबित हुई। तो राहु केतु ऐसा तो नहीं कि बुरे ग्रह। तीसरी बात यह है कि राहु और केतु जब अलग हो गए थे, राहु ऊपर सर वाला हिस्सा था, केतु धड़ वाला हिस्सा था, तो राहु के नाक का नीचे वाला हिस्सा लगा और केतु के नाक का ऊपर वाला हिस्सा लगा। तो कहने का मतलब यह है कि नाक जो है भगवान विष्णु की शैया भी है, शेषनाग किसीया में भगवान विष्णु रहते हैं, भगवान शिव भी नाक को धारण किए रहते हैं, तो हम जानते हैं। और इवन समुद्र मंथन के अंदर भी समुद्र को मथने के लिए हमने जो देवता थे और राक्षस थे, उन्होंने वासु की नाक की सेवा ही ली थी। तो कहने का मतलब यह है कि नाक बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए राहु केतु भी भगवान के बहुत प्रिय कहे जाते हैं। अगर किसी कुंडली में राहु केतु में जरा सा भी नेगेटिव हो, तो भगवान शिव की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके अंदर नाक अवेलेबल है, उनके गले में है एक नाक की सीया पर लेटे। दूसरी चीज ये कि राहु केतु के पास, क्योंकि राहु के पास सर का हिस्सा है, तो राहु दुनिया को देख सकता है। जो दुनिया में भौतिक चीजें हैं, फिजिकल लग्जरीज हैं, गाड़ियां हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या जो भी धन संपत्ति है, उनको देख सकता है। तो राहु अगर कुंडली में अच्छा होता है, तो वो हमेशा धन संपत्ति को दिलाने का काम करता है, मेटेरियल्स दिलाने का काम करता है। आपके जीवन में बड़ी अच्छी लग्जरी कार्स, लग्जरी व्हीकल्स, धन संपत्ति आती है। केतु भी अगर अच्छा हो तो धन संपत्ति दिलाता है, लेकिन केतु में एक चीज है कि वो समझता है, बिकॉज उसके पास आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वो मेटीरियल वर्ल्ड को नहीं देख पाता, अपने अंदर झांकता है, और अंदर झांकने की वजह से, क्योंकि दिल है उसके पास, अंदर झांकने की वजह से वो सोचता है कि मोक्ष का रास्ता, भगवान का रास्ता, भगवान में रमने का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता माना है। तो वो इंसान को एक सेपरेट करने की कोशिश करता है उसकी फिजिकल लाइफ से, उसकी लग्जरियस लाइफ से और मटेरियल लाइफ से, और उसको थोड़ा मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। तो केतु का ये है, और इसीलिए वो क्या करता है कि वो जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो फिजिकल मटेरियल थिंग्स हैं, उनको स्नैच करता है, कोशिश करता है कि उनको छीन ले और आपको भक्ति के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे लेके जाए। तो ये राहु केतु के वो, तो ये आप समझ लीजिए कि राहु केतु बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। ऐसा नहीं कि वो ग्रह जहाँ बैठेंगे या जिसकी राजकुंडली में राहु केतु हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो दशा या अंतर दशा में, ऐसा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि राहु केतु के रिजल्ट कैसे मिलते हैं। देखिए, राहु केतु के रिजल्ट मिलने का सबसे बढ़िया, पहले से पहले एक चीज आपको बता दूं मैं, कि हमारी कुंडली में सेकंड भाव, बारहवां भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, ये सारे भाव हमारी कुंडली में समभाव कहलाते हैं, यानी ना अच्छे ना बुरे, समभाव कहलाते हैं। एक, पांच और नौ त्रिकोण के भाव जो होते हैं वाले, ये बहुत पॉजिटिव भाव कहलाते हैं। तीन, छह, ग्यारह, इनमें अगर कोई पॉजिटिव राशि बैठी हो, सौम्य राशि इनके अंदर हो, या इनके मालिक शुभ ग्रह हो, तो पॉजिटिव शुभ ग्रह मीन्स कि चंद्रमा हो, शुक्र हो, गुरु हो या अकेले बुध हो, अगर तीन, छह, ग्यारह में कोई पाप राशि बैठी है तो ये नेगेटिव, और एट्थ हाउस में बैठे हों राहु केतु तो नेगेटिव। कहने का मतलब यह है कि राहु केतु
अगर इन भाव में बैठे हों, ऊपर वाले भाव में, या इनके स्वामी के साथ बैठे हों तो सम होते हैं। राहु केतु 1, 5, 9 भाव में बैठे हों तो प्लस, शुभ त्रिकोण में हो तो बहुत शुभ होते हैं। राहु केतु 3, 6, 11 भाव में बैठे हों, अगर पॉजिटिव राशि के अंदर बैठे हैं तो शुभ होते हैं, अगर वो पाप राशि में बैठे हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। और राहु केतु अगर 8वें भाव में बैठे हैं नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो राहु केतु ये है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राहु केतु बेसिकली कॉपी कैट है, छाया ग्रह है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि ये आपका ये हमारा सूर्य है, इसके चारों पृथ्वी घूम रही है, ये सन है, इसके चारों ओर हमारी अर्थ मूव कर रही है ऑर्बिट में, ये रास्ता है अर्थ का घूमने का, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो अर्थ इस रास्ते पे घूम रही है, सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है सन के चारों, और चूंकि अर्थ के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो ये चंद्रमा का ऑर्बिट हो गया घूमने का, ये चंद्रमा यहाँ घूम रहा है, तो अर्थ घूम रही है सूर्य के चारों ओर और अर्थ के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो जहां इन दोनों के मार्ग, दोनों का रास्ता आपस में कटता है, ये रास्ता और ये रास्ता, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड, नॉर्थ नोड क्यों बोलते हैं बता रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं साउथ नोड, क्योंकि आपकी डायरेक्शन इस तरीके से है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ऊपर वाला जो नोड है ये नॉर्थ नोड कहलाता है, नीचे वाला नोड साउथ नोड कहलाता है। नॉर्थ नोड को ये राहु बोलते हैं और साउथ नोड को केतु बोलते हैं, ये आप समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि राहु केतु कोई ऐसे ग्रह नहीं है, कोई पिंड नहीं है जो घूम रहा है, राहु केतु एक सिंपली पॉइंट्स हैं दो जो इंटरसेक्शन के बाद बनते हैं पृथ्वी के मार्ग के द्वारा और चंद्रमा के मार्ग के द्वारा। अब जब पृथ्वी का मार्ग और चंद्रमा का मार्ग यहाँ आपस में एक दूसरे को काट रहा है, जहाँ ये ओवरटेकिंग होती है, जहाँ आपस में एक दूसरे के मार्ग को काटने वाली बात होती है, तो कुछ ना कुछ हलचल तो वहाँ पे होनी ही चाहिए। इसका मतलब राहु केतु कुछ ना कुछ तो आदमी के, इंसान के जीवन पे फर्क डालेंगे, कोई ना कोई इम्पैक्ट पैदा जरूर करेंगे, क्योंकि वो दूसरे के चंद्रमा के रास्ते को और पृथ्वी के रास्ते को आपस में कट रहा है रास्ता, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इनका होगा। अब वो इम्पैक्ट कैसा होगा वो डिपेंड करता है, अब मैं उसको बताता हूँ आपको वो इम्पैक्ट कैसा होगा। देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहली चीज ये है भाव। राहु केतु जिस भाव में हो, अगर भाव प्लस है तो प्लस, शुभ है शुभ, भाव अगर नेगेटिव है तो राहु केतु भी नेगेटिव। राहु केतु का जो जिस भाव में बैठे हैं उसका भावेश, उस राज भाव का स्वामी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जिस ग्रह के साथ बैठे हैं अगर वो ग्रह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव का रिजल्ट वो एक्वायर कर लेते हैं। पॉजिटिव भाव में बैठते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट उनका हो जाता है, नेगेटिव भाव में बैठते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट हो जाता है। कौन से भाव पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, कौन सम है, वो मैंने आपको पीछे कहीं बताया था इससे पहले। राहु केतु जिसके भाव में बैठे हैं, उस स्वामी जो ग्रह जिसके भाव में राहु केतु बैठे हैं वो ग्रह कैसा है, वो प्लस है तो प्लस कुंडली में, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और राहु केतु जिस ग्रह के साथ एक्चुअली बैठे हुए हैं, जहाँ राहु केतु बैठे हैं वहाँ दूसरा ग्रह भी कोई बैठा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसका मतलब राहु केतु तीन प्रकार से रिजल्ट्स को देने की कोशिश करते हैं, भाव के हिसाब से, भाव के स्वामी के हिसाब से, और जो ग्रह साथ बैठा हो उसके हिसाब से इन तीनों का रिजल्ट वो खींच लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं और फिर आपको रिजल्ट देते हैं। मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये बहुत ही एक धनी व्यक्ति की कुंडली है, इसमें हम डिस्कस करते हैं राहु। तो अगर आप राहु को देखें तो राहु बैठे हैं 5वें भाव में, 5th हाउस में, त्रिकोण के भाव में। तो मैंने बताया कि भाव प्लस हो तो प्लस, यानी राहु यहाँ पे प्लस हो, ये राहु। अब देखिए राहु का भावेश कौन है, भावेश देखिए, राहु बैठे हैं शनि की राशि, शनिदेव की राशि में, और शनिदेव है भावेश। शनिदेव एक त्रिकोण के स्वामी है और एक केंद्रीय स्वामी है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से शनिदेव इस कुंडली में बहुत ज्यादा योग कारक रहे हैं। इसका मतलब भावेश के हिसाब से भी राहु को बहुत ही प्लस रिजल्ट मिलेगा। ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठे नहीं, कोई ग्रह के साथ नहीं बैठा है, तो इसका मतलब राहु केतु इस कुंडली में प्लस है। भाव के हिसाब से प्लस, भावेश के हिसाब से प्लस, तो डबल प्लस राहु को मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि राहु की दशा अंतर दशा में इनको धन दाने की वृद्धि होगी, ये ऐसा हुआ भी है, राहु इन कुंडली में बहुत शुभ है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं केतु को, यहां हम केतु को देखते हैं। देखिए भाव के हिसाब से केतु बैठे हैं त्रिष्टाय भाव में, 3, 6, 11 भाव जो होते हैं, 3, 6 और 11 भाव त्रिष्टाय होते हैं, और मैंने आपको बताया कि त्रिष्टाय भाव में अगर पाप राशि हो तो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। तो केतु
भाव के हिसाब से नेगेटिव हो गए, भाव के हिसाब से नेगेटिव हो गए। भाविश सूर्य देखिए, उस भाव का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ, क्योंकि सिंह की राशि में बैठे। सूर्य यानी आय भाव का स्वामी हुआ और दूसरे भाव में वो गया हुआ है, लाभ भाव में गया हुआ है। तो सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव, ये भाविश के साथ पॉजिटिव मिला। ग्रह ग्रह है के साथ दो, बृहस्पति और मंगल। अब अगर आप देखें तो बृहस्पति ग्रह कैसे हैं, बृहस्पति स्वामी है तीसरे हाउस के और छठे हाउस के, त्रिग्रह भाव के, लेकिन शुभ ग्रह हैं इसलिए शुभ हुए, तो बृहस्पति के कारण इनको शुभ मिला। मंगल के कारण, मंगल देखिए, मंगल इसमें केंद्र के स्वामी है और दूसरा धन भाव के स्वामी है, एक सम भाव है और एक केंद्र भाव है। केंद्र भाव के स्वामी मंगल होने से, चूंकि मंगल पाप ग्रह हैं, पॉजिटिव बन जाएंगे केंद्रापति दोष की वजह से, तो इसलिए मंगल के रिजल्ट भी यहाँ पे और मंगल के साथ ही बैठे हैं। राहु मंगल से मतलब केतु मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो इसलिए केतु भी मंगल के कारण प्लस हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाव के हिसाब से केतु नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन जो दोनों ग्रह साथ बैठे हैं उनके हिसाब से पॉजिटिव हैं, और जो भाव का मालिक है भावेश उसके हिसाब से पॉजिटिव है, तो केतु भी यहाँ पर पॉजिटिव बन गए और इसकी वजह से केतु की दशा अंतर दशा में भी इनके धन धान्य में वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब यह है कि राहु केतु को आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, पहला बात किस भाव में बैठे हैं, दूसरा बात उस भावेश का, उस भाव का स्वामी कैसा है, तीसरा किस ग्रह के साथ बैठे हैं, उन सबके रिजल्ट मिक्स करके राहु केतु अपने अंदर डाल लेते हैं और इस तरह से रिजल्ट को ढूंढना करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप जरूर डाल दीजिएगा, या व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।